हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में स्वागत है, स्वीट लवली सोना के चैनल में। और आप लोग आज देख सकते हैं कि हम ये वाला पापड़ बनाएंगे सिर्फ चावल से। एक कप चावल से कितना सुंदर सुंदर और कलरफुल पापड़ बनाएंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे। एक कप चावल, हम इसको 2 घंटे भिगा देंगे। इसमें पानी डाल दिया, 2 से 3 घंटे तक भिगा देंगे। हमारा चावल अच्छे से भीग गया है। अभी इसको हम अच्छे से धो के रख दिया है। अब इसको मिक्सर में डाल के मिक्स करेंगे। देखिए, अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए कितना चिकना हो गया है पूरा। अब इसको एक कटोरी में डाल दें। अब हम इसको देखते हैं कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा मोटा लगे, मोटा लगे तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दे देना। ये देखिए इतना पतला जरूर बनाएगा। आप वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इस घोल में हम देखिए क्या क्या डालेंगे। ये सब डालेंगे। पहले हम तिल को डाल देते हैं, उसके बाद कड़ी पत्ती को बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ती, धनिया पत्ती और घर पे बनाया हुआ मिर्ची। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमारे घर पे बच्चे बहुत शोर करते हैं, इसके लिए माँ पकड़ना। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम छोटे छोटे कटोरी में, कटोरी से डालने से पहले हम कढ़ाई को चूल्हा पर बिठा देंगे। कढ़ाई को बिठा दिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे। इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें स्टैंड रख देंगे और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम और तैयारियां करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमने 5 कटोरियां लिया है। अब हम इसमें घोल को डालेंगे 5 कटोरियां में। अब इसको हमने डाल दिया है और दूसरा कटोरी में हम ऑरेंज कलर का फूड्स कलर लेंगे। देखिए, अब हम इसमें ऑरेंज कलर डाल देंगे।
और दूसरा कटोरी में पीला कलर ऐड करेंगे। हमारा अभी तीन कलर हो गया है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। और उसके बाद हम डालेंगे ये तीसरा कलर। चौथा कलर के लिए हमने बीट इस्तेमाल किया है, बीट का तो कलर आता है, देखिए हमने कलरफुल पापड़ बनाने के लिए इसीलिए हमने कलर डाला है। देखिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। दो डब्बा के ढक्कन लिया है, वो ढक्कन में पहले तेल लगा दिया, फिर वो घोल को डालेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। अब हमारा पानी में उबाल आ गया है, अब इसको रखते हैं, फिर इसको ढक्कन डाल देंगे। अब हम देखते हैं हुआ कि नहीं। देखिए अच्छे से हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको हम निकाल देंगे। चारों तरफ हम कट लगा लेंगे और देखिए कितने अच्छे से निकल गया है। इसको एक प्लेट में रख लेंगे और दूसरा रखेंगे। इसको अब हम इसको सुखाने के लिए एक टेबल लिया है और इसमें कपड़ा डाल दिया है, इसके ऊपर सुखाएंगे। मैं घर पे ही सुखा रही हूँ, आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं। हमारा इधर धूप नहीं आता है तो इसीलिए कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए मैं घर पे सुखा रही हूँ। ये भी हो गया है, देखो कितना अच्छे से हो गया है। अब इसको भी कट लगाएंगे, निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छे से निकल जाता है, थोड़ा सी डाल देंगे। देखिए अब हम इसको भी सुखा देंगे उसके पास। देखिए कितना अच्छे से हो गया है। अब इसी तरह ही हम सब कर लेंगे। एक एक करके हम सारे निकल दिए हैं। अब हमारा बन के रेडी हो गया है। अब देखिए कितना सारा पापड़ हमने बना दिया है एक ग्लास चावल में। देखिए आप पूरा कलरफुल पापड़ है, पांच कलर का है। आप भी घर पे बनाए और खाए, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बोलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। पंखा के हवा में 2-3 घंटा तक सुखा के रखना है, जब सूख जाएगा इसको निकाल लेंगे। देखो अब हमारा पापड़ सूख के तैयार हो गया है। अब इसको तेल में डाल देंगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से सूख गया है, तेल गर्म हो गया है। इसमें एक एक कलर डालेंगे।
कितना अच्छे से फूल गया है, थोड़ा बड़ा साइज का भी हो गया है।